जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो मेट्रो और बसेस को दिल्ली की महिलाओं के लिए फ्री करने वाले हैं, और इसी संदर्भ में मनीष सिसोदिया जी ने मेट्रो मैन श्रीधरन जी के चिट्ठी के रिस्पांस में उन्हें चिट्ठी लिखी थी हमारे प्रपोजल को एक्सप्लेन करते हुए और इसके कारण को एक्सप्लेन करते हुए। श्रीधरन जी की चिट्ठी पे हमने इसलिए रिस्पॉन्ड किया था क्योंकि श्रीधरन जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पूरा देश सम्मान करता है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली मेट्रो को वर्ल्ड क्लास बनाया, और ना सिर्फ हम बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनका सम्मान है। और इसीलिए हमने अपनी तरफ से कोशिश करी कि हम अपना पक्ष उन्हें समझाएं कि मेट्रो का किराया, बसेस का किराया दिल्ली की महिलाओं के लिए फ्री करना क्यों ज़रूरी है। पर आज श्रीधरन जी की एक चिट्ठी वापस आई, और श्रीधरन जी की एक चिट्ठी को देखकर बहुत अचंभा होता है कि श्रीधरन जी जैसे रिस्पेक्टेड व्यक्ति, पॉलिसी मेकर, टेक्नोक्रैट आज एक इतनी प्योरली पॉलिटिकल चिट्ठी लिख रहे हैं। आज जो चिट्ठी श्रीधरन जी ने भेजी है इसको देख के लगता है कि भाजपा श्रीधरन जी के कंधे से बंदूक चला रही है, और श्रीधरन जी वही भाषा बोल रहे हैं जो भाजपा बोलना चाहती है, और यही बहुत अचंभे का सोर्स है। श्रीधरन जी ने चिट्ठी में ऑब्जेक्शन उठाई है कि ये डीएमआरसी पे एक फाइनेंशियल बर्डन होगा। मेरा श्रीधरन जी से पहला सवाल है कि जब पिछले साल बीजेपी की केंद्र सरकार ने मेट्रो के किराए को सीनियर सिटीजन्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए फ्री करने की बात की थी, सस्ता करने की बात करी थी, तब उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया अगर वो फाइनेंशियल बर्डन की बात कर रहे हैं। अगर आप उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रपोजल को देखिए तो जो प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए दिया था वो एक क्रॉस सब्सिडी का मॉडल था। इसका मतलब ये है कि बाकी सारे लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं मेट्रो में उनकी टिकट से सब्सिडाइज होगा सीनियर सिटीजन्स और स्टूडेंट्स का किराया। इसका क्या इम्प्लीकेशन निकलता? इसका इम्प्लीकेशन निकलता कि बाकी जो भी ट्रैवलर्स हैं दिल्ली मेट्रो के उनका किराया बढ़ता। इस प्रपोजल आने पर श्रीधरन जी ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, जबकि ये प्रपोजल जो क्रॉस सब्सिडी का प्रपोजल है ये फाइनेंशियल बर्डन डालता डीएमआरसी पे, और ये फाइनेंशियल बर्डन डालता दिल्ली मेट्रो के सारे ट्रैवलर्स पर इस पर श्रीधरन जी ने कोई सवाल नहीं उठाया। दूसरी बात, जब एयरपोर्ट मेट्रो लाइन में और उसके रनिंग में कई प्रकार की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज निकल कर आई थी जो रिलायंस के हाथों में थी जो लाइन, और इस पर दिल्ली की सरकार में दिल्ली डायलॉग कमीशन ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई इंक्वायरी की बात हुई थी, लेकिन उस सीबीआई इंक्वायरी को स्टॉल किया गया। हम श्रीधरन जी से पूछना चाहते हैं कि जब ये एयरपोर्ट मेट्रो लाइन बन रही थी तब तो वो इंचार्ज थे दिल्ली मेट्रो के, तब अगर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही थी तो तब उन्होंने कोई आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या भाजपा उस समय के सारे दिल्ली मेट्रो के एडमिनिस्ट्रेटर से किए गए करप्शन को प्रोटेक्ट कर किया है उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी ना करके? क्या यही कारण है कि आज भाजपा श्रीधरन जी के कंधे से बंदूक चला पा रही है? तीसरा मुद्दा, अपनी चिट्ठी में श्रीधरन जी ने यह कहा है हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को, सर योर आर्ग्यूमेंट दैट दिल्ली मेट्रो इज यूटिलाइजिंग ओनली 65% ऑफ इट्स कैपेसिटी इज नॉट एट ऑल करेक्ट। यू आर परहैप्स रिलाइंग ऑन द डीपीआर रिपोर्ट। हमारा श्रीधरन जी से यह सवाल है कि जो डीपीआर रिपोर्ट, डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसके आधार पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से पैसा लिया जाता है, वो एक राइडरशिप का एस्टिमेट करती है जिसके आधार पर केंद्र सरकार अपना शेयर देती है, दिल्ली की सरकार अपना शेयर देती है, तो क्या आज वो कहने की कोशिश कर रहे हैं अपने चिट्ठी के माध्यम से कि जो फिगर राइडर्स का दिया गया था जिसके आधार पर मेट्रो की सारी फंडिंग हुई है, क्या वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट गलत थी, क्या उसमें फॉल्स फिगर्स दिए गए हैं? ये बहुत गंभीर मुद्दा श्रीधरन जी की चिट्ठी से उठता है।
चौथी बात, क्योंकि श्रीधरन जी ने टैक्स पेयर्स पे जो बर्डन आया है उस पर बात करी है, मैं श्रीधरन जी को कुछ इंटरनेशनली रिनाउंड रिसर्च पे ध्यान दिलाना चाहती हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज ये आम आदमी पार्टी की पॉलिसी का आधार है, पर दिल्ली में रहने वाली एक महिला होने के नाते भी मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि इस मुद्दे को सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से मत देखिए। एक महिला के लिए ट्रांसपोर्ट का एक्सेस होना, मोबिलिटी का एक्सेस होना सिर्फ एक इकोनॉमिक मुद्दा नहीं है, वो एक इम्पॉर्टेंट सोशल मसला भी है। दिल्ली की सारी महिलाएं आईटी और मैनेजमेंट की नौकरियां नहीं कर रही हैं, ज़्यादातर महिलाएं छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेज में काम करती हैं या घरों में रहती हैं। उन महिलाओं के पास फाइनेंसेस का एक्सेस नहीं होता, उनको घर से निकलने के लिए हर बार अपने पति से, अपने इन-लॉज से, अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने पड़ते हैं। तो जब महिलाओं के लिए ट्रैवल फ्री होता है, वो महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनके एजुकेशन के एक्सेस को बहुत इंक्रीज करता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं सिर्फ, ये वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी की रिपोर्ट जो लास्ट ईयर इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स पे आई है, उनकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट आई है जिसका एक्सेस हम, जिसका लिंक हम भेज देंगे सारे जर्नलिस्ट को जो यहाँ बैठे हैं, ये वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी की रिपोर्ट कह रही है। 2015 में मैकिन्जी ग्लोबल की हुई स्टडी ने बताया था कि इंडिया का जीडीपी 16% से 60% तक 2025 तक बढ़ सकता है अगर महिलाओं की पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में एट पार विद मेन आएगी। और एट पार विद मेन आने के लिए उनके जो मैकिन्जी ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार जो प्रपोजल्स थे उसमें एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट उनके टॉप 3 प्रपोजल्स में से था जिससे महिलाओं की पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में बढ़ सकती है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप इंडिया का भी इकोनॉमिक सर्वे देखने जाइए तो ये समझ में आता है कि जो सारी हायर सेगमेंट जॉब्स हैं वो अर्बन मेल्स ऑक्यूपाई करते हैं। दिल्ली में सिर्फ अर्बन मेल सिर्फ 16% है भारत की पॉपुलेशन की, लेकिन 77% आईटी सेक्टर की नौकरियां उनके पास हैं। सो महिलाएं क्योंकि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज में काम करती हैं, वो उन सेक्टर्स में भी सबसे लोएस्ट पे ग्रेड हैंडल करती हैं, ये कारण है जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन कम है। और अगर आप फ्री ट्रांसपोर्ट का उन्हें एक्सेस देते हैं तो महिलाओं का ट्रांसपोर्ट में, महिलाओं का इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज द क्वेश्चन ऑफ वुमेन सिक्योरिटी। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ एक महिला डब्बे से नहीं आती है, उससे भी आती है, सिर्फ मार्शल से नहीं आती है। महिलाएं सुरक्षित तब महसूस करती हैं जब पब्लिक स्पेसेस में महिलाओं की प्रेजेंस बढ़ती है। तो महिलाओं के लिए सिर्फ वो 20% स्पेस की ज़रूरत नहीं है एक महिला डब्बे की, लेकिन जब आप मेट्रो को महिलाओं के लिए फ्री करेंगे तो महिलाएं 50% स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी मेट्रो में, और इसी से महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ एंड सिक्योर महसूस करेंगी। तो मेरा इसलिए श्रीधरन जी से आग्रह है कि आप बहुत रिस्पेक्टेड और सम्मानित इस देश के एक टेक्नोक्रेट रहे हैं, आप इस तरह की पॉलिटिक्स में जहां पे बीजेपी आपके कंधे से बंदूक चला रही है, जहां पर बीजेपी दिल्ली की महिलाओं के विकास को रोकना चाहती है, जहां पर बीजेपी दिल्ली के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकना चाहती है, जहां पर बीजेपी जो एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता शुरू से कहते आए हैं कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नौकरियां नहीं करनी चाहिए, जीन्स नहीं पहननी चाहिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के सशक्तिकरण एम्पावरमेंट के खिलाफ रही है, तो आप कृपया बीजेपी को अपने कंधे से बंदूक ना चलाने दें। शुक्रिया।